हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर जितने भी एड्स दिखाती है उसे आप ब्लॉक कर सकते हो। जो प्रोसेस है बिल्कुल ऑफिशियल प्रोसेस है इंस्टाग्राम का, कोई फेक या थर्ड पार्टी प्रोसेस नहीं है जिससे मैं फॉलो करके दिखा सकूँ कि किस तरीके से ब्लॉक करना है। बिल्कुल ऑफिशियल प्रोसेस है दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप को जो है ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो प्रोफाइल का आइकॉन दिख रहा होगा नीचे, तो प्रोफाइल का आइकॉन पर जो है क्लिक कर लेनी है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल आइकॉन है इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे थर्ड थ्री जो लाइन दिख रहा है, थ्री लाइन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो दोस्तों आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड्स का, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी के नीचे ऑप्शन मिलेगा एड्स का, तो दोस्तों एड्स पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, एड्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा एड्स टॉपिक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ऐड टॉपिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों, आपको एक एक टॉपिक को जो है ओपन करना है। तो दोस्तों, एक एक टॉपिक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ देखेगा सेकंड ऑप्शन शो लेट्स एट अबाउट दिस टॉपिक, तो आपको जितने भी ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करके जो है बंद कर देनी है, मतलब शो लेट्स एट कर देनी है, मतलब जितने भी यहाँ पे टॉपिक होगा इसे आपको शो लेट्स पर क्लिक करना है, शो लेट्स एट। तो दोस्तों, इसे करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जानी है। तो दोस्तों, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा डाटा अबाउट योर एक्टिविटी फ्रॉम पार्टनर्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी यहाँ पे अकाउंट लिंक होगा इंस्टाग्राम के साथ वो ऐप दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इसे आपको बंद कर देनी है, जिससे आपको जो फेसबुक आप इस्तेमाल करते हो तो उस टाइम जो भी ऐड दिखा था ये ऐप पर, मतलब इंस्टाग्राम पर, वो ऐड ना दिखाए। दोस्तों, इसे आपको बंद करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ऐड इंटरेस्ट पर क्लिक करने के बाद अगर कुछ इस तरीके का दिखाए तो आपको बैक आ जानी है। तो दोस्तों, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का अगर आपको दिखे, मतलब कोई भी कुछ भी ना दिखाए ऐड एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद भी, तो आप जो है इसे ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरीके का ना दिखाए तो आप समझ लेना है कि आपको जो ऐड दिखाना है वो बंद हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके का आप प्रोसेस फॉलो करके अपने इंस्टाग्राम पर जो है ऐड को जो है डिसेबल कर सकते हो या फिर ब्लॉक कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। सो गाइस, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand.